फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट. नाउ दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर 11th क्लास अकाउंटेंसी, क्योंकि इस चैप्टर का दो रिलेवेंस है. पहला, इस चैप्टर का जो एक्सटेंशन एक्सटेंडेड वर्जन है विच इज विद एडजस्टमेंट, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आपके फाइनल पेपर्स में दिखने वाला है. तो कहने के लिए, हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि फाइनल अकाउंट विथ एंड विदाउट एडजस्टमेंट, ये दोनों ही चैप्टर्स क्लब करके आपके फाइनल एग्जाम में काफी हेवी क्वेश्चंस के साथ आपको दिखने वाले हैं. अगर आप इन दोनों चैप्टर्स का ओवरऑल वेटेज देखते हैं तो इट कैन गो अप टू 16 मार्क्स, 18 मार्क्स. इंडिविजुअल अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर का वेटेज आपको 6 से 8 मार्क्स तक हो सकता है. कुछ स्कूल्स में फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स पे कम क्वेश्चंस आएंगे और विद एडजस्टमेंट्स में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ स्कूल्स में दोनों ही चैप्टर से ऑलमोस्ट बराबर नंबर के क्वेश्चंस आते हैं. दूसरा रिलेवेंस, फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरे अकाउंट्स के जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा. मतलब जब आप 12th में जाएंगे, आप 12th में जब सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे 12th अकाउंट्स के, तो वहां पर फाइनल अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वापस याद आएंगे. तो अगर आपने अभी इसे बहुत अच्छे से समझा तो आपके 12th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके आगे की स्टडीज, CA, CS, BCom, BBA, लॉ, जहां पे भी आप जाएंगे, जहां पे भी आपको कॉमर्स मिलेगा, वहां पे आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा. और पहला जो मैंने आपको बता दिया कि वेटेज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही. चैप्टर में है क्या, तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, क्यों बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स होते क्या है, फॉर्मेट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस वगैरह, उसके बाद इनके यूजर्स क्या है, और जो तीन मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इन्हें हम प्रैक्टिकल्स के साथ समझेंगे, फॉर्मेट्स के साथ समझेंगे. स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो व्हेन वी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट मींस दो स्टेटमेंट्स विच एक्चुअली प्रेजेंट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजिशन एज वेल एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये वो स्टेटमेंट हैं जो कंपनी की मिरर इमेज आपके सामने लाके रख देते हैं और बता देते हैं कि ये कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर टेस्टिंग करनी है, उसकी प्रोफाइल आपको पढ़नी है, जैसे आपकी फेसबुक प्रोफाइल का आपका बायो या आपकी इंस्टा प्रोफाइल का जो आपको बायो बायो होता है, वो लोगों को आपकी बायो प्रोफाइल के बारे में जानकारी देता है, या जिस तरीके से किसी कैंडिडेट का CV जो होता है वो उस कैंडिडेट के बारे में बताता है, वैसे ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमारी कंपनीज की एक्चुअल रिपोर्ट्स मानते हैं. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत वाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनको हर साल के एंड में बनाया जाता है. ये अकाउंटिंग में सबसे लास्ट स्टेप में आते हैं, जहां पर आके हमारा समराइजिंग का स्टेप खत्म होता है, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन होता है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि साल के एंड में बनाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग्स हो चुकी होंगी, पोस्टिंग्स हो चुकी होंगी, एरर्स रेक्टिफाई हो चुके होंगे, ट्रायल बैलेंस वगैरह जो है वो बन चुके होंगे. अब हम इसके आगे की अकाउंटिंग देखने जा रहे हैं. इस चैप्टर में तीन मेजर चीजें बनाई जाती हैं जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, वो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट एंड PNL अकाउंट जो होते हैं, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वेयरएज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट that depicts the financial position of the organization. तो objectives क्या है, need क्या है इन चीजों को बनाने की. तो पहला, अगर आपने trading और PNL account बनाया तो आपको पता चलता है आपका real profit, आपका actual gross profit, actual gross loss, direct costs को निकालने के बाद आपके पास कितना profit बच रहा है, या आपके organization के पास आपके organization की performance क्या है, वो आपको बता देता है ट्रेडिंग अकाउंट. और PNL अकाउंट से हमें पता है, पता चलता है हमारा नेट प्रॉफिट और साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, जो कि हमारे रियल प्रॉफिट्स होते हैं. तो नेट प्रॉफिट देखने के बाद हम कंपनी की एक्चुअल पोजीशन समझ जाते हैं कि भाई ये जो कंपनी है इसने साल भर में कितने एफिशिएंटली काम किया है, एक्चुअली इनका रिजल्ट क्या है. जैसे आपके एग्जाम्स की मार्कशीट आपकी साल भर की मेहनत दिखाती है, वैसे ही कंपनीज के लिए उनका ट्रेडिंग अकाउंट एंड PNL अकाउंट उनका रिपोर्ट कार्ड है, उनकी रिपोर्ट शीट है, जो बताती है कि इस कंपनी ने अच्छा किया है या बुरा किया है. जितने अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी की गुडविल उतनी अच्छी होती है, मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ती है, गुडविल रेपुटेशन वगैरह बढ़ती है, उनको लोन्स लेने में ईजी हो जाता है, गवर्नमेंट रिलैक्सेशन आ जाते हैं, कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ जाता है, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, इंप्लॉयज हैप्पी हो जाते हैं, अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा अच्छा होने लगता है अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अच्छे अच्छे फिगर्स बताते हैं. तो
वहीं अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो आप अपने प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस के साथ साथ करंट ईयर के परफॉर्मेंसेस को कंपेयर कर पाते हैं, आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाते हैं और ये चीजें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी काफी हेल्पफुल होती हैं। सो बाय मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट वी कैन हैव अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फर्म आल्सो, इवन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फर्म विद अदर कॉम्पिटिटर फर्म्स भी पॉसिबल हो पाता है। साथ ही साथ हमें पता चलता है कि हमने कितना खर्चा किया, कहाँ कहाँ खर्चा किया, हमारे क्या क्या लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, साल भर हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है और क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो भी हमें ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से पता चलता है। हमारे पास क्या क्या रिजर्व्स है, हमने इस साल क्या क्या सेविंग्स करी और हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में क्या कनेक्शंस है, क्या रेशियोज है, ये सारी चीजें हमें ट्रेडिंग और पीएनएल से पता चलती है। जबकि के बैलेंस शीट को बनाने का पर्पज होता है टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी के इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या इस पर्टिकुलर ईयर के बाद हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। बैलेंस शीट आपके सामने ओपन करके रख देती है कि कंपनी के ऊपर कितने एक्सटर्नल लोन्स का बर्डन है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है कंपनी के अंदर और इस पूरे फंड्स के साथ साथ हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो और करंट एसेट्स हो, तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यूज हैं इन्हें प्रेजेंट करती है हमारी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बनाने से भी हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का कंपैरेटिव एनालिसिस करने में इजी हो जाता है और साथ ही साथ हम हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन, दैट मींस कि हमारी फर्म की लोन्स पे करने की कैपेसिटी जो है, जो हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल साउंडनेस है, वो भी बैलेंस शीट से ही पता चलती है। तो अगर आपकी कंपनी बैलेंस शीट बनाती है तो उससे अगर आप फ्यूचर में लोन्स लेने जाते हैं या आप अपनी कंपनी में और इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं तो आपकी बैलेंस शीट को देखकर ही लोग आपको पैसा लेंड करते हैं। ये है पर्पस कि हम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं। अब हम समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट एक्चुअली बनते कैसे हैं, क्या है इनके फॉर्मेट्स। बिफोर आई टेल यू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट समझना बहुत जरूरी है, वरना आप कभी भी फाइनल अकाउंट्स को नहीं समझ पाएंगे, और वो है ये पर्टिकुलर कनेक्शन। सो इसको पहले तो आप ध्यान से नोट कर लीजिए और अब यहां से मैं जो भी समझाऊंगा इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो एरिया है जो अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, विदाउट एडजस्टमेंट्स, ट्वेल्थ में आगे आने वाले चैप्टर्स, इन सब में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं अब यहाँ पे बताने जा रहा हूं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसेस दो तरीके के होते हैं और हम 11th के अकाउंट्स और 12th के अकाउंट्स की जब बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। हम हमारे पूरे 11th अकाउंट्स में और 12th अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या होती हैं, जो एक्चुअली प्रोड्यूस करके सेल करती हैं। ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है, बट क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज अकाउंट्स बनाते हैं, क्या ट्रेडिंग फर्म्स अकाउंट्स नहीं बनाते, बिल्कुल बनाते हैं। सर्विस इंडस्ट्री के लोग अकाउंट्स नहीं बनाते, बिल्कुल बनाते हैं। एक बैंक भी अकाउंट बनाता है, इंश्योरेंस कंपनी भी अकाउंट्स बनाती है, बट हमें बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से अभी मतलब नहीं है क्योंकि अभी हमने वो लेवल का अकाउंट्स नहीं पढ़ा है। हमारा जो 11th का अकाउंट है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के अराउंड घूमता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या होती थी, जो खुद बनाती है और खुद बेचती है। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी विच इज मेकिंग वॉचेस, अ कंपनी विच इज मेकिंग गारमेंट्स, अ कंपनी विच इज मेकिंग लैपटॉप, सेलफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, एनी टैंजिबल प्रोडक्ट, उसके अराउंड ही ये पूरा चार्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनते सुनते नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको अगर ये चार्ट क्लियर हो गया, ये चार्ट समझ लो इस पूरे फाइनल अकाउंट्स की जो है वो जान है। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपको ये अकाउंट्स के फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और व्हाट आई बिलीव इज, रटना डिफिकल्ट होता है, समझना आसान होता है। समझ लो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग खुद ही कैच कर लेगा। चलो, एक्सपेंसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो मेजर कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक होते हैं ऑपरेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे खर्चे जो हमारे कोर एक्टिविटीज के लिए करने जरूरी हैं। व्हाट आर माय कोर एक्टिविटीज, अगेन मैं पूरी बात एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कर रहा हूं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कोर एक्टिविटीज क्या है, गुड्स को एक्वायर करना, प्रोड्यूस करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और फाइनली सेल कर देना। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, सो
एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू मेजर टास्क, फर्स्ट टू प्रोड्यूस, सेकेंड टू सेल। सिर्फ प्रोडक्शन करने से काम नहीं होगा और सिर्फ सेल्स हो नहीं सकती, तो ये दोनों ही टास्क एक साथ होने चाहिए। प्रोडक्शन भी कंटिन्यूअसली होना चाहिए और सेल्स भी कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। इन दोनों फंक्शंस को जोड़कर हम अकाउंट्स में टेक्निकली उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बुलाते हैं। तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? टू प्रोड्यूस एंड टू सेल। एंड ड्यूरिंग माई ऑपरेशंस मैं जो भी खर्च करूंगा, मतलब कि अगर मैं अपने प्रोडक्शन पे कुछ खर्च कर रहा हूं, अगर मैं अपने सेल्स पे कुछ खर्च कर रहा हूं, तो उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर फर्दर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑपरेशंस दो है, एक है प्रोडक्शन और एक है सेल्स। तो वही डायरेक्ट का मतलब है एक्सपेंसेस डन ऑन प्रोडक्शन। जितने भी खर्चे प्रोडक्शन पे होते हैं उन्हें डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बुलाया जाता है, वराज जितने भी खर्चे सेल्स पे होते हैं, मार्केटिंग पे होते हैं, गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने पे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमने क्या समझा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स, वराज हम प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को टेक्निकल टर्म्स में डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बुलाते हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग के जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम सेलिंग एक्सपेंसेस ना बोल के क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। समझ आ गया यहां तक? तो फिर ये नॉन ऑपरेटिंग क्या है? जाहिर सी बात है, जब कोई खर्चा मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा हो रहा है, अलग से हो रहा है, जिसका कनेक्शन मेरे प्रोडक्शन और सेल्स या मार्केटिंग के साथ नहीं है, वो है मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने कोई लोन उठाया हुआ है उस पर अगर आप इंटरेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं, इससे आपकी फैक्ट्री में चल रहे प्रोडक्शन की कॉस्ट चेंज नहीं होगी और आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट चेंज नहीं होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे और एक्सपेंसेस हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ते हैं क्योंकि बिजनेस का पार्ट है, पर बिजनेस का पार्ट है दैट डजंट मीन्स कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो। तो एक्सपेंसेस की मेजर कैटेगरीज क्या है? ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग की दो सब कैटेगरीज क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर आपने यहां तक समझ लिया तो अब मैं आपको बताता हूं ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को हटाने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट बताता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या थे? जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। कहने का मतलब यह है ट्रेडिंग अकाउंट अकेला ऐसा अकाउंट है जो सिर्फ और सिर्फ किन एक्सपेंसेस की बात करता है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी हम कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू सेल्स या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दिखाते हैं। सो व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलिए देखते हैं। तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, बताता हूं मैं आपको। ये रहा, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो आप देख पा रहे हैं यहां पे, डेबिट साइड से शुरू होता है। फॉर्मेट वही है ट्रेडिंग अकाउंट एज एट, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। पर्टिकुलर अमाउंट अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट साइड होती ही होती है। ये अकाउंट आपको ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस से ये सारे आइटम्स मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस आपको पता है कैसा दिखता है। तो ट्रायल बैलेंस से ही आपको ये सारे आइटम्स मिलने वाले हैं, बट इसी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है तभी आपका ट्रेडिंग का आंसर आने वाला है। तो चार आइटम्स तो आप याद कर लो जो फिक्स है और उनकी जगह भी फिक्स है। वो चार आइटम है ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये चार आइटम फिक्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाने ही जाने हैं और हर क्वेश्चन में आपको मिलना ही मिलना है। तो इन चारों को कहां पोस्ट करना है, ये देखो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेजेस, बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। दो आइटम्स टू में डालने हैं और दो आइटम्स बाय में डालने हैं। बाकी जो आइटम्स हैं, वेजेस, ऑक्ट्रॉय, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट, कार्टेजेस, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे और अगर आप ये बात याद कर लेंगे कि मुझे ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चे ही डालने हैं और मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होती है? फैक्ट्री में होती है। तो फैक्ट्री के जितने खर्चे हैं वो मुझे ट्रेडिंग में डालने हैं। अब आपको कोई भी एक्सपेंस अगर दिखता है, आप उसे पढ़ेंगे और आपको लग रहा है ये तो सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसे ट्रेडिंग में नहीं लिखना है, मतलब कि आपको आइटम्स पिक करने हैं ट्रायल बैलेंस से इस ऑर्डर में जो कि यहां फॉर्मेट में आपको दिख रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स, ये चार आइटम्स तो फिक्स है। बाकी जो आइटम्स हैं वो होते हैं डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल। ये सारे एक्सपेंसेस हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसीलिए ये ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दैट इज वाई डेबिट साइड पे हमने सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं और क्रेडिट साइड पे हमने सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। प्लस माइनस करने के बाद जो नेट आंसर आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाता है। इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल होता है। आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिए रहेंगे, फॉर्मेट अगर आपको याद हो जाता है और अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो आप डायरेक्टली पिक करके बना सकते हैं। मैं बार बार बोलूंगा ट्रेडिंग के लिए चार आइटम्स फिक्स हैं, बाकी आपको इस लॉजिक को याद रखना है तो आपको आइटम्स को उठा के पेस्ट कर देना है। ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बात करते हैं पीएनएल अकाउंट की। पीएनएल अकाउंट जो है वो हमारा सेकेंड अकाउंट है। पीएनएल अकाउंट, अब ये जो अकाउंट है हमारा जिसका आपको फॉर्मेट यहां पे दिख रहा है, पीएनएल अकाउंट इज द सेकेंड अकाउंट विच इज गोइंग टू शो द रिमेनिंग ऑफ एक्सपेंसेस, चाहे वो इनडायरेक्ट हो और चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो। और सेल्स में, क्योंकि हमारे लिए ऑपरेटिंग इनकम्स में सिर्फ एक ही इनकम है जो कि ऑपरेटिंग है, वो है डायरेक्ट सेल्स। इट कैन बी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, बाकी जितने भी इनकम्स हम देखते हैं वो सब इनडायरेक्ट इनकम्स हैं या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी हो सकती हैं। इसीलिए सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस को, ट्रेडिंग से बचे हुए बाकी सारे आइटम्स को, इनकम और एक्सपेंसेस को हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस है टू कैलकुलेट द रियल नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इस तरीके से बनाया जाता है, आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि आपको बताया। आपको सिर्फ यह याद कर लेना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में जाएंगे, बाकी किसी भी नेचर का एक्सपेंस हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या वो नॉन ऑपरेटिंग हो, वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। बहुत ही लंबी लिस्ट होती है, यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स यहाँ पे दिखाने के लिए लिए हुए हैं, जैसे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, कैरेज, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री के बाहर लेके जा रहे हैं सामान तो आउटवर्ड होता है, टेलीफोन, स्टेशनरी, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट, ये सारे खर्चे फैक्ट्री के बाहर के हैं। ऑफिस का मतलब होता है शोरूम, ऑफिस का मतलब है कि एडमिन स्पेस। एडमिन स्पेस में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री के बाहर जितने भी खर्चे होंगे वो पीएनएल में जाने वाले हैं। तो वो दो नेचर के हैं, इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग। अगर आप इनका बायफर्केशन नहीं भी याद करें और आप सिर्फ ये याद कर लें कि प्रोडक्शन है तो डायरेक्ट, ट्रेडिंग बाकी सब पीएनएल डेबिट, तो भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ लिस्ट है जो हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। बाय साइड में सेल्स को छोड़कर कोई भी इनकम आए, जैसे वो कमीशंस हैं, ब्रोकरेजेस हैं, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंट है, कोई भी इनकम है, तो वो पीएनएल के क्रेडिट में जाता है। सेम लॉजिक, पीएनएल अकाउंट इज अगेन अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के फॉर्मेट पे से बनाया जाता है। पीएनएल अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कहां से आया था, ट्रेडिंग अकाउंट से आया था। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो हमारे पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड का पहला, क्रेडिट साइड का पहला आइटम होता है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके हम पीएनएल शुरू करते हैं। अगर ग्रॉस लॉस आया होता ट्रेडिंग अकाउंट में तो आप देख सकते हैं डेबिट साइड से हमारा पीएनएल शुरू होता। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं ट्रेडिंग से आप पिक, ट्रायल बैलेंस आप पिक करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। कोई इनकम मिले जो आपको वहां दिख रही है लिस्ट में, इनमें से कोई भी इनकम, जरूरी नहीं है सारे आइटम आए, बहुत कम आइटम्स आते हैं, फॉर्मेट बस मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है इस ऑर्डर में आप उसे अरेंज करें, डेबिट और क्रेडिट कर दें, प्लस माइनस करेंगे। अगर आपका इनकम साइड ग्रेटर है, दैट इज बाय साइड अगर ग्रेटर है तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, और अगर हमारा एक्सपेंडिचर साइड बड़ा है तो हमें नेट लॉस मिलता है। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द पीएनएल अकाउंट, विच इज अगेन अ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट अकाउंट। इसमें बहुत लॉजिक नहीं है, ज्यादा दिमाग आपको ट्रेडिंग में लगाना है, और अगर आपने ट्रेडिंग बना लिया तो फिर आपको पता है कि बाकी बचे हुए एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट और बाकी बचे हुए इनकम्स पीएनएल में क्रेडिट होनी है। इतना ही है आपका पीएनएल अकाउंट। जो लास्ट चीज ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट है, वो है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जैसे कि नाम बता रहा है, अ शीट विच इंडिकेट्स ऑल द बैलेंसेस। नाउ बैलेंसेस ऑफ व्हाट, बैलेंसेस ऑफ टू एलिमेंट्स, वन इज लाइबिलिटीज, अनदर वन इज
एसेट्स। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो ट्रेडिंग और पीएनएल के बाद बनाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट का टोटल टैली होना चाहिए और इसका फॉर्मेट ये होता है, पहला होता है लाइबिलिटीज, उसके बाद होता है एसेट्स। सो लाइबिलिटीज में क्या क्या लाइबिलिटीज जाती हैं, चाहे वो करंट लाइबिलिटीज हो चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटीज हो, सब कुछ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे ही जाएगा। कैपिटल भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी होती है, इसलिए आप उसे लाइबिलिटी साइड पे देख रहे हैं। बस याद रहे कैपिटल में ड्रॉइंग्स माइनस करना है और जो हमारा नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से आता है वो प्लस करना है, अगर नेट लॉस आया है तो माइनस किया जाता है। तो लाइबिलिटी साइड में ये सारी लाइबिलिटीज आपको कहां से मिलेंगी, ट्रायल बैलेंस में ही मिलेंगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि फाइनल अकाउंट्स के लिए बेस तो ट्रायल बैलेंस ही होगा। तो ट्रायल बैलेंस से आपने इनकम्स उठा ली, एक्सपेंसेस उठा लिए, ट्रेडिंग और पीएनएल बना लिया, तो क्या बचा होगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में बचेगा बाकी के एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो वहां दिए हुए लाइबिलिटीज आप यहाँ पे लाइबिलिटीज में पोस्ट कर दोगे, पर ध्यान रहे कैपिटल में ड्रॉइंग्स माइनस करना मत भूलना और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का एडजस्टमेंट करना मत भूलना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे दिखाया है वैसे आपको बनाना है, आप कैपिटल वाला पार्ट ऊपर भी दिखा सकते हैं, लाइबिलिटीज को शफल भी कर सकते हैं, जैसा आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता जाए वैसा वैसा पोस्ट करते जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं इस चैप्टर के और अक्सर बच्चे इजी इजी क्वेश्चंस, क्योंकि वो लेंदी होते हैं, वो बैलेंस शीट तक आते आते उनका टाइम चला जाता है और बहुत सारे बच्चों को ऐसा रटवा दिया जाता है कि ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बनाओ, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में बनाओ, कोई जरूरत नहीं है बनाने की। ऐसा आपके स्कूल्स में कभी नहीं बोला जाएगा कि ऑर्डर ऑफ परमानेंस फॉलो करो या ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो करो, आपका टास्क है क्वेश्चन को कंप्लीट करना। आपको ट्रायल बैलेंस में पहले करंट लाइबिलिटी का कोई आइटम दिया है, फिर बीच में कोई नॉन करेंट लाइबिलिटी दे दी है, फिर करेंट लाइबिलिटी दे दी है, आप वैसे ही पिक करते जाओ, कोशिश करो क्वेश्चन खत्म हो जाए, क्वेश्चन को खत्म करना, बैलेंस शीट को टैली करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस शफलिंग के चक्कर में, कि पहले मैं करंट लाइबिलिटी छांट लूं, फिर मैं नॉन करेंट लाइबिलिटी छांटूं, फिर मैं लास्ट में ही कैपिटल लिखूंगा या लिखूंगी, आप अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वही एसेट्स में भी आप देखें तो एसेट्स में भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बस ध्यान रहे एसेट्स ही यहां पर लिखना है। और एक एसेट है जो दो साइड पे रिपीट हुआ है, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक इज द ओनली आइटम विच इज रिपीटेड और विच इज पोस्टेड इन टू थिंग्स, टू आइटम्स। पहला वो ट्रेडिंग में क्रेडिट में जाता है, जो कि अभी हमने देखा था फॉर्मेट में, और दूसरा वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट भी है। बाकी अच्छी बात यह है एसेट्स में आपको कुछ एडलेस नहीं करना है, सिंपल सिंपल जो भी एसेट्स दिए हैं, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जितने भी एसेट्स आपको क्वेश्चन में दिए हो आप पेस्ट कर दीजिए किसी भी ऑर्डर में, और अगर आप सब कुछ सही करते हैं तो आपका बैलेंस शीट का टोटल टैली होता है। तो ये तीन मेजर चीजें मिलकर बनती हैं हमारी फाइनल अकाउंट, बट इनमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रायल बैलेंस में नहीं लिख पाई तो बाद में नीचे एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में मिलती हैं और उनको यूज करके हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। तो वहां पर थोड़े से ट्रीटमेंट्स बदल जाते हैं जो कि हम अगले सेशन में देखेंगे। इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं, एक है ट्रेडिंग अकाउंट और उसके अंदर जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो ध्यान से बनाइए, जहां पर आपको इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, सीओजीएस के ऊपर क्वेश्चन है, जहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनवाया जा रहा है पर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं और डेफिनेटली आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करिए, इस चैप्टर से वो बहुत ज्यादा आता है। थ्योरी इस चैप्टर से 3 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, थ्योरी को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, थ्योरी बहुत इसकी इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। और जो फुल लेंथ क्वेश्चन है जहां पर आपको ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों बनाने के लिए आ रहा है, उन क्वेश्चन की भी खूब प्रैक्टिस करिए। तो ये वो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इस चैप्टर के जो कि आपके लिए मस्ट है, जो आपको करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। पर आपको जो मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज बताए हैं, उन्हें ध्यान से प्रैक्टिस करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।